आज कोई शिकार नहीं मिला अभी तक, हो रही आ रहा है, चलो उसको देखते हैं। चलो जो कुछ भी है तुम्हारे, जो कुछ भी है तुम्हारे पास निकाल के बाहर दे दो। साथियों छीन लो इससे जो धोखा कर दे चुके हैं। ये आदमी कहता है साथियों कि तुम कौन हो, बता दो जरा अपना ख्वाब दिखा रे। मैंने ख्वाब दिखाने के लिए कहा था, ये क्या तुम पर्चा निकाल के दिखा रहा है मैं? चल पीछे ले इससे जो कुछ भी है इसके पास, सब निकाल इससे, चल ले। गिर जा। और ये सरकारी तो भूसा ले है वा। जाने दो, गरीब आदमी है सारा, जाने दो। चलो किसी सेठ को लूटते हैं अपन, चलो। अरे सरदार, चार पांच दिन से लंबा हाथ नहीं आ रही थी। अच्छा चलो किसी महाजन सेठ को लूटते हैं, चलो चलो। ये गांव यहाँ एक सेठ। कौन सा? अरे उसका नाम है राजकुमार सेठ। अच्छा चलो राजकुमार के यहाँ चलते हैं। चलिए। ये कौन लेटा है साथियों? अरे सरदार, ये राजकुमार मछियों ना सेठ है। यही है क्या? हाँ हाँ सरदार। उड़ाओ सारे। तुम्हारा नाम क्या है जी? राजकुमार। राजकुमार। हाँ। तुम्हीं को लोग सेठ कहते हैं ना? हाँ। चल साले माल निकाल बाहर। नहीं निकालेंगे। क्यों? अच्छा चलो साले, अच्छा हुआ जादी तुम्हारे जेब में है ना। चल ये बता माल किधर रखा है? नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? किधर रखा है? उधर। जैसे चाबी को बताया कि मेरे जेब में है, वैसे माल भी बता किधर रखा है बे? घर के अंदर रखे। कौन से घर के अंदर रखा है बे? सरसेटा के घर के अंदर। सरसेटा वाले घर के अंदर? हाँ। बंदो साले को इधर, अपन खुद जाके ले लेंगे। चलो आओ बंदो। बहुत से सालों को लूटा सेठों को, लेकिन ऐसा सेठ साला पहली बार मिला। चलो चलो देखते हैं किधर रखा है साला। बोला तो था सर सेठे वाले घर में रखा है। हेरो हेरो सरदार, दिखेगा साला। अरे सरदार वो हमने उधर पड़ा है साथियों, लेके आओ जरा देखते हैं उसमें क्या रखा है साला। सबको गरीबों को लूट लूट के साला अमीर बन के बैठा है, गरीब वहाँ भूखे मर रहे हैं। लेके आओ सरदार, ये ना खोला नहीं कौन आ सका। माल तो उठाने दो। अरे वाह साला, लगता है बहुत पूंजी रखा है। चलो इसको अपन अपने अड्डे पे खोलते हैं। जरा खोल रहे इसमें क्या रखा है ओ राजकुमारा सेठ साला, जरा खोल तो। इतना देर कैसे लग रहा है, खोल जल्दी से। अरे सरदार खोल। हाँ खोलो। साला चाल भरा है यार इसमें। ये तो टमाटर है सरदार। राजकुमारा सरदार हमको नहीं बनाई दे। अरे साला ये टमाटर भर के रखा है यार। एक काम करो इसको ले चल के मंडी में बेच दो। चलो जो भी मिलेगा इससे गरीबों को, गरीबों में बांट देंगे अपन। कुछ अपने लिए रखेंगे, कुछ गरीबों में बांट देंगे। चलो सरदार का भाव बाट मत रहा, जो भी होगा देख लेंगे बाजार में चल के। सरदार ऐसा नहीं हो सका, अगर सरदार मतलब राजकुमार सेठ रखेगा तो कुछ तो बात हो गई करी। जरूर जरूर चलो देखेंगे। टमाटर क्या भाव है? बाप का बैस, तेरी बस की बात नहीं है। अरे बता तू क्या भाव है? एक टमाटर
1,00,000 रुपये का है। और ये साला आप लोग तो अमीर बने। चलो सरदार को नहीं बताएंगे, हम तो दोनों लोग बांट लेंगे। ठीक है, ओके, चलो चलो अभी बेच लेते हैं। चलो चलो अभी बेच लेते हैं। कितना टमाटर है भैया? 5। पूरे 5 टमाटर है। 5, चलो ठीक है भाव। इसका कितना रुपए बना? चलो तुमको 4,50,000 रुपए दे देंगे। क्यों? एक टमाटर तो 1,00,000 रुपए का है, तो हमको 4,50,000 रुपए क्यों? गद्दारी, गोली मार देंगे गद्दारी। अरे सरदार आ जाओ। चल पूरा दाम निकाल। चलो आपको हम फोन पे कर देंगे। फोन पे? हाँ। कितना? अरे 5,00,000 रुपए। अगर गद्दारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है सरदार। ओके चलो। 5,00,000 रुपया मिला ना? अपन दोनों दे 5,00,000 रुपया, 2,50,000 बांट ले। एक सारे देखो ही ना कर। अब एक चला मार के भगा। चला इन हम सर उनका कुछ नहीं पाता है। चल भाग चल। हमका मारे है ना, जाते सरदार से बता ही दे। क्या हुआ? ये लोग गद्दारी कर दिए हमारे साथ? हमारे ही आदमी हमारे साथ गद्दारी कर दिए? चलो आज उन लोगों की खबर लेते हैं हम। कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे आदमियों ने हमें धोखा दिया है। तुम लोगों ने हमारे साथ गद्दारी किया हमारे साथ। हमारे यहाँ माफी नहीं, सीधा ऊपर। तुमने हमारे आदमी का कही नहीं। साथे ये लोग माल यहीं छिपा रहे थे, माल उठाओ और चलो अपन गरीबों में बांटेंगे। निकालो, चलो जल्दी से। मर गए साले, हमारे साथ गद्दारी करने वालों का यही हश्र होता है। तुम्हारे लिए हमने एक पक्का मकान का वो कर दिया है, 2-1 दिन में तुम्हारा घर बन के तैयार हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी हमने एक बढ़िया इस्तेमाल वो किया है, कोटेदार को, तुम्हारे गांव के कोटेदार है ना, उनको सहेज दिया है। तुम्हारे घर पे बराबर राशन पानी आता रहेगा, फिकर मत करना जब तक हम लोग लाल पहाड़ी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए तो हमारे पास बेहिचक चले आना, लाल पहाड़ी के ऊपर हम रहेंगे।